हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं थोड़ा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए पोलीटिकल साइंस 12th क्लास प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स के लिए पोलीटिकल साइंस का जिहड़े कि आपां मॉडल टेस्ट पेपर लैके इंग्लिश मीडियम के ठीक है इंग्लिश मीडियम आप मॉडल टेस्ट पेपर करांगे ये सो जिहड़ा PSEB दे वल्लों जारी किया हुआ मॉडल टेस्ट पेपर है। हाँ जी फस्ट है वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पोलीटिकल सिस्टम। पोलीटिकल सिस्टम का मेन फंक्शन की है तो यह आंसर आ गया बी ऑप्शन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पीपल डिमांड्स। सैकेंड है वट इज़ द रूल एप्लीकेशन फंक्शन। हाँ जी इन अ पोलीटिकल रूल एप्लीकेशन इज़ द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी रिस्पोंसिबिलिटी है। इवन द जुडिशियल डिसीजन आर इंप्लीमेंटेड बाय द सिविल सर्वेंट्स। समटाइम्स दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द रूल मेकिंग डिपार्टमेंट आल्सो। कई बार जो कि यह फंक्शन है जी कि रूल मेकिंग जो डिपार्टमेंट आ कानून बनाने वाला वो द्वारा परफॉर्म होंगे ने बट इन डेवलप्ड पोलीटिकल सिस्टम द टू फंक्शनस आर परफॉर्म्ड बाय द सैपरेट डिपार्टमेंट। नैक्सट आ कंपेरेटिव पोलीटिकल मीनस द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पोलीटिकल इंस्टीट्यूशनस। नैक्सट है आइडियोलॉजिकल पोलीटिकल कल्चर इज़ द वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोलीटिकल कल्चर ट्रू है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन है द प्रोसैस ऑफ पोलीटिकल सोशलाइजेशन एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एवरी कंट्री एंड इन एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पोलीटिकल सोशलाइजेशन एग्जिस्ट है। नैक्सट है सिक्स वट डू यू मीन बाय क्लासीकल लिबरलिज्म। क्लासीकल लिबरलिज्म तो अभी की समझते हो। हाँ जी भाव कि शास्त्री जिहड़े कि आप कह सकते उधारवाद पुरातन उधारवाद। क्लासीकल लिबरलिज्म वॉन्ट्स द लीस्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन द इंडिविजुअल। वो कहता कि व्यक्ति पर बहुत घट कंट्रोल होना चाहिए राज का। इट वॉन्ट्स दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिकल स्पेयर। तो जोड़ा वह आर्थिक खेत्र है उस तो जेडे कि राज वालों कोई भी दखलअंदाजी वो नहीं चाहता। हाँ जी नंबर सैवंथ मार्किसिज्म इज़ द बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है तो पुस्तक भी तुम्हें याद होनी चाहिए सदियाँ। तो नंबर एट गांधी जी सैड दैट स्टेट शुड परफॉर्म मैक्सिमम फंक्शन फॉल्स। नैक्सट है वट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो माई एक्सपैरिमेंट्स विद ट्रुथ। नंबर टेन मैनशन एनी वन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पोलीटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। स्थाई हाँ जी पोलीटिकल राजनीतिक कार्यपालिका तो परमानेंट स्थाई कार्यपालिका च की अंतर है। हाँ जी द बेस ऑफ पोलीटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ पोलीटिकल वेयर एज पोलीटिकल इंपैरशैलिटी। ठीक है इज़ द मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। भाव कि जिहड़े परमानेंट होंगी वह स्थाई होंगी है। ठीक है तो पोलीटिकल है जी 5 साल बाद जी कि होंगी होंगी मतलब कि 5 साल बाद फिर तो वोटिंग होंगी परमानेंट नहीं होंगी। हाँ जी द वर्ड ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश लैंग्वेज लैटिन। तो लिबरलिज्म लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है नैक्सट हैगा अडल्ट फ्रेंचाइज मीनस डैट ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट विदाउट एन डिस्क्रिमीनेशन ट्रू है। ठीक है तो पहला यह एज़ 21 ईयर सी तो हूँ यह 61वीं संविधानिक सोध द्वारा 61 अमेंडमेंट द्वारा यह जी कि 18 एज की गई है वोटिंग के लिए। ठीक है नैक्सट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरैक्टली इलैक्टड इन इंडिया। सब डायरैक्टली इलैक्टड कौन होंगे इन्होंने मैंबरस ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बली। ठीक है मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बली डायरैक्ट इलैक्टड होंगे ने बाकी जिहड़े कि इहदे विच दित्ते होए ने मैंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है वाइस प्रेजीडेंट जां प्रेजीडेंट ये होणगे इनडायरैक्ट। ठीक है डायरैक्ट आपां इक लोकसभा दा। ठीक है तो एक लैजिस्लेटिव असैम्बलीज़ लैजिस्लेटिव असैम्बलीज चाहे स्टेट्स ने चाहे अपने उच्च ने इंडिया दे ने। ठीक है लोकसभा। नैक्सट है डिस्कस 14 नंबर डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द फॉर्मूलेशंस ऑफ पब्लिक ओपीनियन। द न्यूज़पेपर क्यूट द पीपल विद डेली न्यूज़ एंड इवेंट। डेली जिहड़ी कि न्यूज़ मिलती ने ते इवेंट्स मिलते हैं उन्होंने बारे जानकारी मिलती है। दे कमेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के जिहड़े कार्ज ने उन्हां ते कमेंट करते हैं न्यूज़पेपर्स टिप्पणियां करते हैं।
दे बोथ प्रेज एंड क्रिटिसाइज द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, ते सरकार द्वारा जिहड़ा काम किया जाता उहदी प्रेज भी करते हैं, तो जिहड़ा काम क्रिटिसिजम वाला हुंदा उहदा क्रिटिसिजम भी किया जाता। 15 नंबर, स्प्रैड ऑफ डैश इज़ द मेन रेमेडी टू रिमूव हिंड्रस इन द वे ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपीनियन एजुकेशन। ठीक है, इन द यूएसए देर इज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, फॉल्स, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम हैगा इंडिया दे विच। ठीक है, यूएसए एंड यूके दे विच हैगा टू पार्टी सिस्टम, ते वन पार्टी सिस्टम हैगा वियतनाम कंबोडिया चीन। नैक्सट हैगा, हाँ जी, 17 नंबर, हू सैड पार्टीज आर इनविटेबल, नो फ्री कंट्री हैज़ बीन विदाउट दैम, ते कहा सी ब्राइस ने। ठीक है, ब्राइस। नैक्सट है, नेम एनी टू प्रैशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, प्रैशर ग्रुप के नाम लिखने किसी भी दो दे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉयज फेडरेशन। नंबर 19, एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज़ नॉट लेस दैन डैश ईयर्स ऑफ हैज़ द राइट टू एक्सेस हिज वोट 18 ईयर्स। नेक्स्ट 20, इन पार्लियामेंट सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट इज़ रियल एग्जीक्यूटिव, फॉल्स। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव है जी कि हैड नहीं होंगी। नैक्सट हैगा, विच पार्ट एंड शड्यूल वर इनकलूडड फॉर द स्टैबलिशमेंट ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज पार्ट 9 शड्यूल 11। ठीक है, शड्यूल 11 पार्ट 9 है, पार्ट 9, तो पार्ट 9 दे विच हैगा पंचायती, तो पार्ट 9 ए दे विच, पार्ट 9 ए दे विच हैगा जिला, आप कह सकते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वह हैगा 9th ए पार्ट दे विच, ते शेड्यूल हैगा उहदा 12। ठीक है, 12, ते जिहड़ा कि पंचायती राज आ इस दे विच हैगा कि सब तो पहला है कित्थे फॉर्मड होया सी, ते है वो सी राजस्थान च नैगौर दे विच, राजस्थान नैगौर दे विच 2 अक्टूबर। ठीक है, ते 1959। ठीक है, ते 11 अक्टूबर नूं होया सी आंध्र प्रदेश दे विच। ठीक है, ते पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सैकेंड टाइम, ते एक भी आ जाता हुंदा है कि पंचायती राज दे विच किन्ने सब्जेक्ट्स आउंदे ने इहदे अंडर, ते इहदे अंडर आउंदे ने स्टूडेंट सब्जेक्ट पंचायती राज दे विच 29, ते जिहड़े कि लोकल अर्बन दे विच आ जाते हैं। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट दे विच 18, ते इन्हां दे विच 3 केड़े ने, सब तो पहला होगा ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, ठीक है, जां पंचायत समिति, ते फिर टॉप ते आउंदा जिला परिषद, टॉप ते जिला परिषद हुंदा, बॉटम ते ग्राम पंचायत। ते जे अर्बन दे विचों देखिए आपां, अर्बन दे विचों जिहड़े कि टॉप ते किहड़ा हुंदा, देखो गया आए गया क्वेश्चन इधर भी, पंजाब पंचायत दा टॉप ते किहड़ा ते बॉटम ते किहड़ा, ते जे आपां हुण इहनां दा देखिए तां इन्हां दा टॉप ते होगा जिहड़े कि टॉप ते हो जूगा, इहदे विच टॉप ते हो जूगी जिहड़ी कि म्यूनसीपल कारपोरेशन, नगर निगम टॉप ते हो जूगी, ते जिहड़े कि लो लैवल ते आपां कह देंगे, आपां कह सकदे कि बॉटम ते। ठीक है, बॉटम ते जिहड़े कि आ जूगा इहदे विच म्यूनसीपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनसीपैलिटीज़ ये हैगियां जिहड़े आपां तुहानूं दस्से ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट दियां। ठीक है, नैक्सट है, सरदार डैश इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ बीजेपी, जे पी नड्डा। लोटस इज़ द इलैक्शन सिंबल ऑफ बीजेपी, ट्रूज आ फॉल्स ट्रू। अगे हैगा 25, द अनाउंस द इलैक्शन डेट इन इंडिया इलैक्शन कमीशन, तो इलैक्शन कमीशन की जिहड़ी कि इस्टैबलिशमेंट कदों हुई है ये भी मैं तुहानूं दसदी हाँ, ये प्रति जिहड़े भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 जिहड़ी कि चोन कमीशन की स्थापना होंदी है, तो वोटर दी वोटर डे किस दिन होंदा, वोटर डे होंदा 25 जनवरी 25 जनवरी। ठीक है, तो
इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल केड़ा केड़ा ते एहे हैगा ने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैगा इलेक्शन कमीशन बारे पार्ट हैगा 15 ठीक था 15 दे अंडर आउंदे ने ते आर्टिकल हैगे ने इहदे 324 तो लैके 329 तक ठीक है ते 326 दे विच हैगा कि वोटिंग का जिहड़े कि राइट है जिन्हां दी भी एज 18 ईयर्स दी हो जूगी ते 324 दे विच हैगा चोन कमीशन दी मतलब कि उहदे बारे फाउंडेशन बारे टोटल ही जे आपां कहीए वी इहनां दा आर्टिकल 324 तो लैके 329 तक जे आपां वैसे एक दी गल करिए कि चोन आयोग दी जिथे व्यवस्था की गई उह 324 आर्टिकल है ठीक है ते फस्ट इलैक्शनस कदों होईआं सी 1952 दे विच बाकी जिहड़े करंट दे विच इलैक्शन कमीशनस वाले ने उह तुसीं जरूर नेम लर्न कर लिओ हाँ जी अगे हैगा विच टू इलैक्शनस आर एजुकेटड इन इंडिया थ्रू डायरैक्ट इलैक्शन डायरैक्ट किहड़े किहड़े हुंदे ने तां इलैक्शन ऑफ लोक सभा इलैक्शन ऑफ लैजिसलेटिव असैम्बली ये डायरैक्ट हुंदे ने बाकी जिहड़ा आपां पहलां कीता प्रैजीडेंट जिवें है ना वॉइस प्रैजीडेंट ते राज्यसभा वह इनडायरैक्ट होणगे अगे हैगा नैशनल इंटैग्रिटी डिपेंड ऑफ नैशनल इंटीग्रेशन नैक्सट है इंडिया इज़ एन इंपीरियलिस्टिक स्टेट फॉल्स मेन प्रिंसिपल ऑफ फॉरन पॉलिसी का आर्टिकल हैगा 51 ठीक है 51 UNA कदों फाउंड होया ये भी तुहानू याद होना चाहिए 24 अक्टूबर ठीक है 24 अक्टूबर 1945 UNA फाउंड होंदा ते UNA दे किन्ने मैंबर है पहला स्टार्टिंग दे विच सी 51 ते हुण हैगे ने 193 ठीक है 193 इहदे जिहड़े कि मैंबर ने ते इहदे विच UNO दे किन्ने ऑर्गन ने 6 ऑर्गन ने ठीक है जनरल असैम्बली जिसनू पार्लीमेंट भी कहिंदे ने ठीक है सिक्योरिटी कौंसिल दे विच टोटल जिहड़े कि 15 मैंबर हुंदे ने 5 परमानेंट ते 5 ठीक है नॉन परमानेंट कह सकते आपां टैंपरेरी कह सकते हैं ते परमानेंट है किहड़े किहड़े ने अमेरिका ठीक है इंग्लैंड रूस चाइना ठीक है फ्रांस ये हैगे ने परमानेंट जिन्होंने वीटो का भी राइट है तो इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसिल ट्रस्टीशिप कौंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो सैक्रेटरी ठीक है तो सार्क बारे भी तुहानू याद होना चाहिए कि सार्क हाँ जी सार्क है जिहड़े कि 8 दिसंबर 1985 ते दा फस्ट सम्मेलन होंदा ढाका दे विच जी मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरन पॉलिसी एंड नेम ठीक है मीनस गुटन नीति अपोजिशन टू इंपरियलिज्म सपोर्ट टू UNO ऑल ऑफ दीज ठीक है वाई वॉज UNO एस्टैबलिश्ड अगे आ गया क्वेश्चन द यूनाइटेड नैशनल ऑर्गेनिज्म वॉज एस्टैबलिश टू स्टॉप वॉर्स इन द वर्ल्ड संसार के युद्ध खत्म करने के लिए एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो संसार के सुरक्षा तो शांति बधाने के लिए जेडे कि UNO फाउंड होया एस्टैबलिश होया नैक्सट है डैश इज़ द प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन सार्क एक्टिविटी इंडिया शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय मिसिज इंदिरा गांधी एंड मिस्टर बूटो ट्रूज ऑफ ऑल्स द ट्रू तो सार्क के टोटल किन्ने मैंबर हैगे ने जिहड़े कि कंट्रीज़ 8 अठवां जिहड़े कि अफगानिस्तान है स्टार्टिंग 7 सी नैक्सट है बंगलादेश वॉज इस्टैबलिश इन 1971 नैक्सट है वट आर द टू कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड USA तो एक तो हो गया इंडिया डिडंट साइन कंपेंशन टेस्ट वैन ट्रिटी CTBT फॉर दिस अमेरिकन एटीट्यूड टूवर्ड इंडिया इज़ नॉट पॉजिटिव सैकेंड अनदर कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज़ द मिलटरी असिस्टेंट फॉर अमेरिका टू पाकिस्तान नैक्सट है नैशनल ह्यूमन राइट्स कदों इस्टैबलिश होया 12 अक्टूबर 1993 सैक्शन बी दे विच तुहानू अगे अगे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 8 दे विच यू कैन अटैम्प्ट एनी 5 हाँ जी जिम्मे दस्या हुआ डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की है एक्सप्लेन 4 बेसिस ऑफ क्रिटिसिजम ऑफ मार्केसिजम ठीक है मार्केसिजम की क्रिटिसिजम करनी है इट इज़ ए बेस्ड ऑन रोंग कंसैप्शन
हिस्टरी इज़ नॉट द हिस्टरी ऑफ क्लास वॉर, स्टेट इज़ नॉट एन ईवल, मैगजीन गिव नो इंपॉर्टेंट टू मॉरल करैक्टर। नैक्सट है, हाँ जी, राइट ड्रॉ फोर हिंड्रंस विद विच कम इन द वे ऑफ हेल्थ ऑफ पब्लिक ओपीनियन। हाँ जी, एक स्वस्थ जनतक ओपीनियन दे विच केड़े केड़े रुकावटा ने, इल्यूट्रेसी, पॉवर्टी, इनडिफरेंस ऑफ पीपल, पोलिटिकल पार्टीज। राइट एनी फोर फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप दे की फंक्शन ने, हाँ जी कार्ज ने, पार्टीसपेशन इन इलैक्शन, लॉबिंग, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपीनियन टू अचीव देयर एम्स। नैक्सट हैगा फिफ्थ, मैनशन एनी फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूनसीपैलिटी, म्यूनसीपैलिटी के फोर फंक्शन लिखने ने। नैक्सट है, डिस्कस एनी फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, इंडियन पार्टी सिस्टम की फीचर्स विशेषताव, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, कॉमन पार्टीज ने, ये जेडे कि फैक्शनल्स ने, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन अमंग द पार्टी मैंबरस। अगे हैगा नंबर सैवन, राइट डाउन फोर फैक्ट डैट विच डिटरमाइन द वोटिंग बिहेवियर ऑफ इन इंडिया। इनफ्लुएंस ऑफ रिलीजन, हाँ जी, वोटिंग बिहेवियर में कड़े कड़े इफेक्ट करते हैं फैक्ट। इनफ्लुएंस ऑफ कास्ट, ठीक है, जात, अपने धर्म, पार्टी का प्रोपोगंडा, पार्टी का प्रचार करते हैं जेडे, मनी पावर, पॉवर्टी भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अगे है राइट मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सार्क, सार्क के की ऑब्जेक्ट्स ने, उद्देश ने। नैक्सट है लोंग क्वेश्चन, अगे सिक्स सिक्स मार्क्स वाले, जिन्हें चॉइस होगी। राइट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन ऑफ पोलिटिकल सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम दे जेडे कि इनपुट आउटपुट कार्ज। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो, ठीक है, लोंग क्वेश्चनस ने। अगे हैगा डिस्क्राइब पोलिटिकल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी इन डिटेल, गांधी जी के पोलिटिकल आइडियाज़ केड़े केड़े ने, ठीक है, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फेथ इन ट्रुथ, फेथ इन अहिंसा, नॉन वायलेंस, गांधी, गांधीयन टेक्निक, ठीक है। तो एक मार्क्सवाद का सिद्धांत जिहड़े कि अज प्रिंसीपल किसने गिवन दिता, इन्हें दिता सी, एक तो कार्ल मार्क्स ने दिता सी, कार्ल मार्क्स का फ्रेंड सी, तो कार्ल मार्क्स का फ्रेंड से फ्रैडरिक, ठीक है। तो जे ये आज ट्रस्टीशिप का प्रिंसीपल दिता सी महात्मा गांधी ने, ठीक है, ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी ने। तो वर्ग संघर्ष वाला, ठीक है, वो जेडे कि कार्ल मार्क्स ने। बाकी अपन अलग क्वेश्चन कदम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सत्याग्रह, स्टेट इज मीनस एंड डिविजिल इज एन एंड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स। अगे हैगा डिस्क्राइब एनी सिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Distinctions between the real and nominal executive, president remains outside the cabinet, close relation between the executive and legislature, leadership of the prime minister, next political homogeneity, unity of cabinet, next है fifth, what is the meaning of people participation, ठीक है, एक्सप्लेन फॉर रीजन ऑफ लो एंड पुअर पीपल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनइंप्लॉयमेंट, ठीक है। अगे है डिस्क्राइब डिटरमिनेशन ऑफ इंडियन फॉरन पॉलिसी, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, नैशनल इंटरस्ट, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, इंपैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, नैशनल स्ट्रगल। सैक्शन डी दे विच तुसीं इनू जिहड़ा तुहानूं कंप्रीहेंशन दिता होगा उन्होंने रीड करके पैसेज तुसीं आंसर काइंड आंसर फाइंड करने होणगे। तो सिक्स क्वेश्चन होणगे टू टू मार्क्स के, ट्वेल्व मार्क्स का होगा। थैंक्स।